कोहिमा विज्ञान महाविद्यालय के भूमि अतिक्रमण तथा विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने के मामले पर नाराजगी जताते हुए ऑल नागालैंड कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन ने कल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। कोहिमा और दीमापुर में आयोजित धरना प्रदर्शन में सभी महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। छात्र संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कोहिमा विज्ञान महाविद्यालय के भूमि अतिक्रमण मुद्दे को सुलझाने, स्कॉलरशिप के लिए एक अलग नोडल सेल खोलने और सभी जिला कॉलेजों तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों से जुड़े भूमि विवादों को सुलझाने की मांग उठाई गई है। We called for this peaceful dhana because government was actually supposed to get back to us on 9th of August with the report and the details of the demands that we placed. We have resubmitted our memorandum to the government again with another point that not only the Saints College land encroachment issue should be the concern, but also in concern to all the district government colleges and polytechnic institutions. This land, the land that needed and the land that was actually acquired for the establishment of this institution should be intervened if there is any dispute or land encroachment issues in this particular area of colleges and institutions. Back 4-5 years, ANSU has been fighting for the infrastructure and other development for the this mentioned institution, whereas we have learned in many occasions that land issue is the problem. अगरतला में 3 संगठनों ने मिलकर एक अनोखा कार्यक्रम शुरू किया है और यह कार्यक्रम है पौध वितरण का। अगरतला के लोग भी इस कार्यक्रम से खुश है, क्योंकि उन्हें महज 10 रुपए में फलों का एक पौधा खरीदने को मिल रहा है। डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल एडवांसमेंट यानी DISA, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर और अगरतला रेस्पॉन्सिबल सिटीजन नामक गैर सरकारी संगठन ने मिलकर नागरिकों में फलों के पौधे वितरित करने का यह कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने अगरतला में सड़क किनारे अपनी स्टॉल लगाई है। कोई कोई चीज हमको दिल में समझ जाना चाहिए कि फॉरेस्ट और पेड़ का इम्पोर्टेंस क्या है। हम लोग सब जानते हैं लेकिन ठीक से अनुधावन नहीं करते। इसी प्रयास में हम लोग ये मूवमेंट शुरू किया, तो वी आर होप कि ये काफ़ी पॉपुलर होगा एंड अगरतला का जो गुड सिटीजन्स है वो लोग अनुधावन करेंगे कि क्यों फॉरेस्ट को, पेड़ को बचाना है। जिसके पास जगह है वो लगा सकेगा। हमारा टारगेट है कि अगरतला में हर जगह जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पर प्लांटेशन है। और इस साल का हमने टारगेट भी लिया है कि कम से कम 8-10 हज़ार प्लांट्स हम लोग लगाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको ढूंढना मुश्किल था। ये बहुत अच्छा एक कंसेप्ट था कि एक जगह हमने लगा दिया, उसका पब्लिसिटी किया। जिसको भी जरूरत है, जिसके पास जगह है वो जरूर लेके जा रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आखिरकार 26 साल के लंबे इंतजार के बाद मिजोरम क्रिकेट एसोसिएशन को BCCI की स्थायी सदस्यता मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मिजोरम के लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया है। मिजोरम क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री लालथन हावला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यह घोषणा मिजोरम के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। BCCI का स्थायी सदस्य बनने के बाद मिजोरम क्रिकेट एसोसिएशन 19 सितंबर को आयोजित होने जा रहे विजय हजारे ट्रॉफी, 1 नवंबर से होने जा रहे रणजी ट्रॉफी और राष्ट्रीय स्तर पर अन्य कई ट्रॉफियों के लिए तैयारी कर रहा है।
भारत और म्यांमार के बीच ऐतिहासिक सीमा सड़क खुलने से न केवल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और बेहतर बनेंगे बल्कि इससे मंडाले में रहने वाले असमिया लोगों और असम राज्य के बीच भी संपर्क स्थापित होगा। मणिपुर के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के समन्वयक आर के शिवचंद्रा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा सड़क खुलने के बाद अब असम के लोग म्यांमार के मंडाले जा सकते हैं, जहां वे अपनी पीढ़ियों को खोज सकते हैं जो असम पर बर्मा के हमले के बाद 200 साल पहले वहां बस गए थे। आगे कहा कि मंडाले में मणिपुरी लोग असमिया लोगों के अच्छे दोस्त हैं, जो बरसों से आपस में अपना सुख दुख बांटते हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत म्यांमार सीमावर्ती शहर मोरे के दौरे पर आ सकते हैं। जहां वे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और भारत म्यांमार मैत्री बस सेवा का उद्घाटन करेंगे। One thing is that there are also so many Assamese, so many households. Earlier, some 5 years before, you will find about 50 households in Myanmar, in proper monthly. But now the numbers is reduced to about 50 people, 60 people. Hardly you'll find 60 people who keep intact with their originality. Some of them might have been mingled with the local Myanmarese, or some have forgotten their own language. But we are very happy that Assamese and the Manipuris, they are going together. They keep a firm relationship. There are intermarriages among Manipuris and Assamis. Any religious ritual performed are done by the mighty Manipuri Brahmins there. Somehow they are maintaining their status, though they cannot speak Assami language. They are still maintaining their identity there.